बड़वानी के समीप तलून खुर्द में आधे हिस्से रोड पर गड्ढे हो गए हैं। तलून से गुजरने वाला रोड जर्जर हो गया है। बारिश के बाद इन दिनों इस रोड पर बड़े बड़े गड्ढों में पानी भरा होने के कारण वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। खराब रोड की वजह से वाहनों में टूट फूट होती रहती है, इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। बस चालक और मालिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बड़वानी से अंजर ठिकरी रूट चलने वाली बसें समय पर नहीं पहुंच पाती है, इससे चालकों व परिचालकों के बीच बहस होती है, हादसे की आशंका रहती है। गड्ढों में मुरुम भी नहीं भरी जा रही है। हरीश यादव ने बताया कि स्थिति इतनी खराब होती है कि प्रतिदिन रहवासी परेशान होते रहते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए जिससे जनता को राहत मिल सके। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। हरीश यादव, मैं गांव की समस्या अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ सड़क पर गड्ढे कई दिनों से हो गए हैं। टोल टैक्स को सूचना देने के बाद भी वो गड्ढे को भरा ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। हम ये चाहते हैं ये गड्ढे जल्द से जल्द भरवाया जाए। अगर ये गड्ढे नहीं भरवाए जाते हैं तो हम यहाँ चक्का जाम किया जाएगा हमारे द्वारा। यात्री बसें निकलती है, मोटर वाहन वाले निकलते हैं, बाइक से लोग निकलते हैं, हर एक के लिए समस्या का विषय है। इसे जल्द से जल्द इन गड्ढों को पूरा कराए, भरवाया जाए। आपने अवगत कराया टोल टैक्स वाला? टोल टैक्स वाले को बोल दिया गया, उनको बोलने के बाद ये गड्ढे भरे नहीं जा रहे। क्या नाम है आपका? दुर्जी धनगर, तलून बजाटा खुर्दा उप सरपंच हूँ मैं। किस समस्याओं को लेकर इकट्ठे हुए? ये रोड पे यहाँ पे गड्ढे बहुत है और टोल टैक्स वालों को बहुत बार बोल दे चुके हैं पर लेकिन वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे और आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। इस समस्या का समाधान करें वरना हम चक्का जाम करेंगे टोल टैक्स को। आपने बोला टोल टैक्स वालों? बहुत बार बोल चुके हैं। नहीं सुन रहे? सुन नहीं रहे वो। क्या नाम है आपका? दीपक पांडे, मैं प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ SS 26 जो खंडवा बड़ोदरा राजमार्ग है हमारा। अभी जैसा कि गाँव वालों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है कि हमारे गाँव में तलून गाँव और आगे जो तेजा जी मंदिर के पास कुछ गड्ढे हो गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम इसी हफ्ते जैसे ही हमारे पास बिटुमेन की सप्लाई आ जाएगी डामर की, हम इस चीज़ को फुलफिल कर देंगे। इसके अलावा गांव के चारों ओर निरंतर कार्य चल रहा है। अभी अंजड़ के पास हमारा कार्य कंटिन्यू है, डामर की सप्लाई की वजह से वो कार्य रोक दिया गया है। 26 जनवरी थी, आज डामर का ऑर्डर लग जाएगा, 2 से 3 दिन में डामर आते ही ये कार्य कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।